नमस्कार दोस्तों, आज फिर ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट टू में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी बच्चा क्लास करना चाहे वो कॉल कर सकता है हमें। कक्षा 11 की क्लास चल रही है 99 97 96 96 70, इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकता है। कक्षा 11 की क्लासें चल रही हैं, अभी से चल रही हैं, सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, कोई कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक चीज़ अच्छे से कराऊंगा मैं। पहले से क्लास करने का फ़ायदा ये है कि मैं तुम्हारा 12th का भी पढ़ाऊंगा, ऊपर से मैं कंपटीशन के बारे में भी तुमको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हम चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू का। देखो आज पार्ट टू में क्या होगा, ये पार्ट टू का मतलब क्या है, मेरा मतलब बनाने का क्या मतलब है। देखो पार्ट टू का मतलब बताने का, देखो जैसे ये होता है साइन 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, ये मैं आप तुमको बताऊंगा ये कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा और सवाल भी बताऊंगा इसके बहुत अच्छे से। और जो का कक्षा 11 के अगर बच्चे देख रहे हैं तो कापी पेन लेके बैठे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो देखो ये देखो मैंने बना दिया, ये बना। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाएगा, 180 तक जाएगा, 270 तक जाएगा और फिर 360 तक जाएगा। ये मैंने बना लिया, ये जो बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो आज मैं एक चीज़ बनाई, देखो यदि थीटा न्यूनतम कोण हो, अगर थीटा न्यूनतम कोण हो तो फर्स्ट में देखो फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या होगा, देखो 0 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 0 एंगल प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस थीटा रहता है 90 माइनस थीटा, तब भी इसमें और 360 प्लस थीटा करेंगे तब भी इसमें आ जाएगा, हाँ तो भाई या मैं इसमें प्लस कर दो इसमें आ जाएगा और 90। जो ये कंडीशन होगी कि अब देखो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या आएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, अरे आराम समझना, और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, देखो अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, अगर इसमें घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, और 180 ये भी इसमें होगा। और चलो थर्ड की बात करते हैं, थर्ड बहुत अच्छा है, ऐसे ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा फिर देखना कितना कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। अब देखो ये देखो 180 प्लस थीटा, अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है, और 270 में से कुछ घटाएंगे, 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो 20 में होगा, इसमें ही रहेगा और 270 इसमें रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे, रहेंगे 4 में पहुंच जाएंगे, अगर 360 में से कुछ घटाएंगे तब भी फोर्थ में रहेंगे, अगर 0 में कुछ भी जोड़ेंगे, अगर 0 में कुछ भी, सॉरी 0 में अगर कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी घटाएंगे तो भी फोर्थ में रहेंगे और 360 फोर्थ का है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं रुक जा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, ये नोट कर लो कॉपी में, इससे बहुत ज़्यादा सवाल सॉल्व होंगे। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखो एक चीज़ और देखना, देखो साइन जो साइन होता है, साइन ना कॉस में चेंज होता है, ठीक है, और कॉस साइन में चेंज होता है, ये दूसरे का होता है। देखो टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, ये दूसरे में चेंज हो गया, अगर जो सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। अगर कोई थीटा थीटा को नहीं है, थीटा लगा दे रहा हूँ अलग से, अगर कोई थीटा न्यूटन को पड़ा, ठीक है, ये प्रोसेस है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करूँगा, ठीक है।
ठीक है, अब देखो ये पूरा बन गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है। अब देखो एक बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, देखो देख रहा हूँ एक थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन है। देखो साइन 100 प्लस थीटा ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये कैसे हुआ, देखो ये कैसे हुआ 180 प्लस थीटा, ये कहाँ, देखो कौन से वाली में 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा देखो कहाँ गया, थर्ड में, देखो 180 थर्ड में आ गया, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आ गया, थर्ड में। और एक इससे जानने से पहले एक चीज और लिख लो नोट में, नोट में यहाँ पे नोट में डाल लेना, नोट नोट डाल लेना, नोट नोट में डाल लेना, ठीक है। देखो 90 270 ये चेंज होते हैं, चेंज होते हैं साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉस में, बहुत अच्छी बात है। और देखो जो 0 180 360 नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होते। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हुआ, प्लस होगा माइनस, थर्ड में, थर्ड में टेन कॉट प्लस का, तो यानी कि ये माइनस का होगा, ये माइनस लगा दिया। अब हमें बता ये 180 प्लस चेंज होगा या नहीं होगा, 180 प्लस का नो चेंज, तो यानी क्या साइन थीटा, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, ठीक है, 10 90 प्लस थीटा, एक और देख लेता हूँ, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये देखो और देखो, देखो 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन कोसेक खाली प्लस का, तो 10 माइनस का होगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या बताया, 90 प्लस थीटा यानी कि चेंज हुआ, तो 10 कोट में हो जाएगा कोट थीटा, ये देखो हो गया। ये बहुत अच्छा है, मोटर को बहुत अच्छे समझाया, अगर अच्छा लगे तो। और देखो अब इस क्वेश्चन कैसे कराते हैं, देखो क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन देखो देखना बड़ा मजा आएगा, आगे देखो क्वेश्चन देखना बहुत मजा आएगा, देखो क्वेश्चन देखने में, देखो ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पूरा यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, पूरा यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने खाली रखा है, पूरा मिटा दे लिख लेना, ठीक है, पूरा मिटा दे रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन देखो एक लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो साइन 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, ये कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, ये हो गया, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो यहीं से देखो सॉल्यूशन करेंगे बहुत जल्दी से, देखो ये क्या होता है, 270 प्लस 270 माइनस थीटा किस में जाएगा, 270 माइनस थीटा आएगा यानी कि सेकंड है, सेकंड में रहेगा, सेकंड में माइनस का होता है, तो माइनस लगा लिया हमने, माइनस का होता है, अब 270 मतलब चेंज होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये चेंज होगा, ठीक है, चेंज मतलब सी बना देगा चेंज, ठीक है। अब इस पर 90 माइनस थीटा, ये देखो ये भी कॉस होगा, ये भी कॉस थीटा होगा, बट प्लस का होगा 90 में, तो ये यहाँ पर लग दिया इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो ये माइनस का हो गया, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि कॉस, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन ये देखो माइनस का हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये देखो 90 प्लस थीटा मतलब साइन, ये चीज भी चेंज होगा, तो ये हो गया साइन थीटा, देखो ये कॉसेक उसके थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेने तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है,
ये एक प्रॉपर्टी होती है, cos का थीटा प्लस sin का थीटा बराबर पाई होता है, तो ये यानी कि माइनस वन आ गया, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसे ये माना बना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन करा दूंगा जैसे आपको रिविजन हो जाए, ठीक है। ये सारा मिटा दे रहा हूँ, ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉट थीटा प्लस टेन 90 प्लस थीटा, देख रहे हैं ना, साफ साफ बता देना, ठीक है। कमेंट में लिखे, मैं कुछ दूसरा जुगाड़ कर लूँगा, ठीक है। टेन 180 प्लस थीटा, ठीक है। और ये एक इंटू में टेन 360 माइनस थीटा, देख रहा है, ये पूरा क्वेश्चन है, तो कितना आसान सॉल्व करें। देखो 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का और थीटा हो जाएगा, यानी दुनिया में ये तो कॉट थीटा रहेगा, ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, देखो 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा मतलब किस में आ रहा, थर्ड में आ रहा, थर्ड में 10 प्लस का होता है ये, यानी कि प्लस का 10 ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 10 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा प्लस है, ऐसा प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस था, ठीक है। अब देखो 360 प्लस 360 माइनस थीटा क्या, मतलब थर्ड में 360 मतलब नो चेंज, तो यानी कि माइनस 10 थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो पहले करने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे देखिए ये माइनस का होगा और चेंज होगा, ये ऐसे लिख लिया करो, यहाँ देखो ये देखो नो चेंज, मतलब नो चेंज मतलब जैसे का वैसे ही रहेगा नो चेंज, ये देखो ये खाली माइनस का होगा नो चेंज, ठीक है। देखो चेंज किया तो कॉट आ गया, नो चेंज किया तो टेन आ गया, माइनस का नो चेंज किया तो टेन, ठीक है। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, देखो शून्य आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी रिविजन की है। देखो एक बात तो ध्यान रख लो, देखो अगर मन से पढ़ोगे तो हर जगह तुम सफल हो जाओगे, और कहीं भी मन से अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो समय का सदुपयोग करें, समय समय से ना टाइम, समय से अपना टाइम दो ही चीज़ कर सकता है, या समय समय खर्च करके पैसा कमाए, मनी कमाए, या मनी खर्च करके समय बर्बाद करें। तो आप किस चीज़ में डिपेंड करते हैं, पैसा खर्च करने में, पैसा कमाने में, ये ध्यान रखो, समय ही सब कुछ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद, जय भारत।